दिनांक 25 नवंबर की रात को मुरादाबाद क्लब सिविल लाइंस मुरादाबाद में युवा उद्यमियों की संस्था यस, नवगठित निर्यातक संगठन दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मुरादाबाद तथा अन्य अनेक संस्थाओं की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका विषय था चैलेंजेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स इन मुरादाबाद। मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल ने इस सेमिनार में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया तथा अपने संबोधन में कहा, मैं तो यही कहूंगा कि द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन, जिसका आज नामकरण हुआ है, इस नई एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अजय गुप्ता जी और ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री सतपाल जी और मंच पर उपस्थित सभी मेरे बंधुवर बुजुर्गों साथियों और साथ ही यस के भी सभी मेम्बर्स हैं और सभी मेरे परिचित हैं, सभी का नाम दे सकता हूँ पर मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी 9 बजे मैंने खुद एक कुछ रखा है, मैं खुद हाउस हूँ तो मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो आपके बीच से आपकी बात सुन के और कह के बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि मैं भी स्वयं एक एक्सपोर्टर हूँ और हर छोटी से छोटी अपने निर्यात से संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको मैं भली भांति पहचानता हूँ, महसूस करता हूँ। एक्सपोर्टर्स की नवगठित संस्था दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मुरादाबाद के संस्थापक अध्यक्ष और वरिष्ठ निर्यातक अजय गुप्ता ने इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, नहीं तो पॉल्यूशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट कोयला तो बंद करना चाहती है, तो उसके लिए हम NGT में भी जा सकते हैं और SMSC में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट को भी लिख सकते हैं कि हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें, गैस उपलब्ध कराएं, तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट भी चलता रहेगा और भट्टी भी चलती रहेगी। धन्यवाद। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मुरादाबाद चैप्टर के चेयरमैन VK मंगला ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डिफेंस कॉरिडोर के बारे में भी जानकारी दी। बड़ी अपॉर्चुनिटी मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन के लिए है। शुरू में थोड़ा सा आपको फायर के बारे में बात करना चाहूंगा। एज टुडे आवर सब्जेक्ट इज चैलेंजेस इन द एक्सपोर्ट। फायर सेफ्टी एंड NOC इज अ रियल चैलेंज फॉर एनी एंटरप्रेन्योर ऑफ अमंगस्ट अस। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज वेरी मच फेमिलियर and often talked about during the running of our factories. Fire safety is not about the subject of completing fires or getting an NOC and closing the chapter. It needs to be revisited, discussed, precautions to be taken, maintenance of fire equipment and training of the workers to deal with emergencies. BAA अर्थात बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन की ओर से तानिया भाटिया ने इस मौके पर सोशल कंप्लायंस की बेसिक्स के बारे में बोलते हुए कहा, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बी इट गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, वी कैन चेक एनी पर्सनस प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस ऑन लिंक्डइन, वी आर एबल टू ट्रैक आवर डिलीवरीज ऑन Amazon एंड Zomato. The day is not far when we can even see into the Zomato vendor's kitchen on what he is cooking. So in this time where the customer is open to access any kind of information, we are able to track our deliveries and reach out to our customers. The world is doing everything possible to reach out to the end consumer in the most transparent manner. This growing transparency is originating from the need of both being accessible and accountable to the outside world and at the same time being in control. मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के जनरल मैनेजर डॉक्टर RC शर्मा ने इस अवसर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया, तो पॉल्यूशन के लिए क्योंकि देखिए दो तरह का यहाँ पर मुरादाबाद से दो तरह की फनल्स काम कर रही हैं, बच्चे काम कर रही हैं, एक तो ऐसे बड़े हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमारे जो रॉ मटेरियल है या जो स्क्रैप है उसको मेल्ट करके इग्निशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तो वो भट्टियाँ हैं
दूसरी भर्ती हमारे छोटे आर्टिसन की है। तो देखिए जहाँ तक बात है इनकी पॉल्यूशन जनरेट होने की, मेरी आज हम हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे व्यक्तिगत वार्ता हुई इस विषय पर, काफ़ी देर तक चर्चा रहा कि हम कैसे इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए हम एक मुरादाबाद के एक जानी मानी हस्ती हैं, उनके साथ हमने मिलकर के एक जो एग्जिस्टिंग फर्नेस है, जो एग्जिस्टिंग भट्टियाँ हैं उसको बिना हटाए हुए, उसका लिविंग स्टाइल को चेंज बिना चेंज किए हुए, उसका वर्किंग एटमोसफेयर वर्किंग एरिया को बिना चेंज किए हुए हमने एक सॉल्यूशन उनको दिया है। फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सैयद गानिमिया ने इस मौके पर कहा, नहीं आ रहे उसी चैलेंज को फेयर ट्रेड एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने बनाई, उसमें अजीम भाई का भी सहयोग रहा, अकरम शमशी साहब भी रहे और भी हमारे यहाँ पे सबसे बड़े पहली शुरुआत हमने बड़े भाई गुप्ता जी साहब से ही करी, वहीं पर जाके मशवरा किया। उसमें जो हम लोगों ने बनाई है उसकी कॉस्ट मैक्सिमम 30,000 रुपये आ रही है, 20,000 से 30,000 के बीच। अब चैलेंज हमारे सामने ये है, भट्टी हमने बना दी, उसको हमने चला के भी दिखा दिया, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब सम्मानित साथी। एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट शफात अहमद खान ने इस अवसर पर ईपीसीएच के 3 COA मेंबर्स के लिए अगले माह होने वाले चुनाव में वर्तमान COA मेंबर्स अब्दुल अजीम, नीरज खन्ना और अनूप शंगदार के समर्थन की घोषणा की और अपने विचार रखते हुए कहा, हमारे शहर के दूसरे शहरों में जो हैंडीक्राफ्ट होता है उन सबको एक बैनर के नीचे खड़ा किया, हमारे बहुत आवाज को बड़ी तेजी से इकट्ठे होकर उठा सकते हैं, इससे हमारा इन्विटेशन या मिनिस्टर वाकई में हमारी बात सुनेगा और हम उससे कामयाब हो जाएंगे। इससे आगे मैं और ये बताना चाहूँगा कि हम डीएम साहब से एक महीना पहले मिले थे पोल्यूशन के बारे में, भट्टियाँ बंद हो रही हैं सर, हम टैक्स कैसे दे पाएंगे, हमारा एक्सचेंज नहीं कमा पाएंगे तो गवर्नमेंट को भी तकलीफ होगी, तो आप इनकी भट्टियों को बंद कराने के लिए थोड़ा हल्का हाथ रह गया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, पोल्यूशन बोर्ड का मामला है। इसके बाद उन्होंने खुद ही शेयर किया कि स्टेशन रोड पे इसको नापने का यंत्र लगा है। नवगठित दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मुरादाबाद के संस्थापक सचिव सतपाल उर्फ पाली बाबू ने अपने संबोधन में अब्दुल अजीम, नीरज खन्ना और अनूप शंगदार को भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दरपेश खतरात से भी आगाह किया। तो ये जो 5% का बेनिफिट है ये विड्रॉ होने जा रहा है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा हमें किन किन लोगों ने इसके ऊपर रोशनी डाली है। MEIS अगस्त से नहीं मिल रहा और अभी मिलने की कोई संभावना भी नहीं है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो ये सब चीज़ों को सब पर रोक लगा रहा है। हम लोग रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री भूषण पांडे जी से मिले थे, मैं पीयूष गोयल जी के साथ भी अजीम भाई और हम दोनों गए थे, अनूप अदावन जी जिनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमें जिस कभी दफ्तर में तकलीफ होती है वो बेचारे हमारी मदद करके, कॉमर्स सेक्रेटरी है वो फोन करके हमारी मदद करते हैं। आपको पता होगा कि रिस्की एक्सपोर्टर की लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में 59 लोग हैं, 55, उन 55 में 29 आदमी बोगस हैं। कमिश्नर GST हमसे कह रहे हैं कि 29 आदमियों को पकड़वाइए, मैं कहता हूँ उनकी फोटो दीजिए, पूरे फोटो हमारे पास है नहीं, मैं कहता हूँ साहब भूल जाए। अंत में यस के सचिव विशाल अग्रवाल ने सबका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने भी नीरज खन्ना, अब्दुल अजीम और अनूप शंखधार को जिताने की अपील की। सभा में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं, प्रेस एंड मीडिया का धन्यवाद देता हूं, हमारे जितने भी एसोसिएशन से पदाधिकारी आए हैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि हमने हर समय अपने बड़ों का हाथ पकड़ के चले हैं और उनको जो मान सम्मान देना चाहिए वो हमने यस में देने की कोशिश करी है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज यस हमारी इस मुकाम पे पहुंची है। मैं आगे भी कामना करता हूं कि हमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा
और हम हर फ्रंट पे अपने यस को कायम रखेंगे। और उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे मेंबर सीओए के लिए खड़े हो रहे हैं, आप उन्हें चेताएं जिससे कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचे। इस सेमिनार को सीनियर एक्सपोर्टर शहाब आलम, गौरव अग्रवाल आदि ने भी संबोधित किया। सेमिनार का संचालन सरदार जेपी सिंह ने बहुत कुशल ढंग से किया। मंच पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के पूर्व चेयरमैन सुधीर त्यागी, यस के अध्यक्ष उदित शरण अग्रवाल, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास तथा सुरेश गुप्ता, हाजी मोहम्मद इकबाल शमसी और बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन के सुमित छाबड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के मोहम्मद मुअज्जम, अनवर हुसैन, अकबर हसन, शारिक सिद्दीकी, सैयद फराज अली, अनवर कमाल, वरिष्ठ निर्यातक रवि अरोरा, अबू बकर मंसूर, अहमद जकरिया, खालिद मसूद, उवैस राशिद, ईपीसीएच के पूर्व चेयरमैन कमल चंद्र अग्रवाल, हाजी मोहम्मद अख्तर शमसी, मुफ्ती मोहम्मद अरबाब शमसी, अशोक ओबराय, नाजिम हुसैन साबरी, मिसबाहुर रहमान शमसी, इब्राहिम जली शमसी, राहत खां, सुनील भंडूला, विनय गुलाठी, विनीत गुप्ता, अनीकुर रहमान, शालिक रहमान, हाजी मोहम्मद, उवैस नईमी, मुख्तार अंसारी, राशिद अली आदि सहित बड़ी संख्या में निर्यातक मौजूद रहे। सेमिनार के आयोजन में निर्यातक अब्दुल वसीम और यस के कार्यालय प्रभारी योगेश शर्मा भी पेश रहे।